अगर सर जी को कुछ हुआ ना, अगर उनकी सांसें रुकी तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। मैं कैसे सांसें लूंगी उनके बिना? मुझसे नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं वादा करती हूँ मैं सर जी को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं सर जी को कुछ नहीं होने दूंगी। ऐसा नहीं होगा। मैं आती हूँ, मैं अभी आती हूँ। चाणक आंटी, रुको, इस वक्त वो उसे जाने दो, उसे अकेला रहने दो इस वक्त। कि वो अब वो किसी के बोलने से नहीं रुकेगी, वो जाएगी। भैया भैया जल्दी गाड़ी निकालिए, कहाँ जाना है मैं रास्ता बताती हूँ, आपको चलिए। और अब एक बार फिर जनक को वही रास्ते वही मंदिर तक पहुंचना है। शायद उसने कोई अवहेलना की है जिसकी सजा आज मिल रही है उसे। वहीं छोटौन को देनी है घर पर खबर। हेलो छोटौन, क्या बदतमीजी है? कितनी देर से तुम्हें फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहे तुम। तुम्हें तमीज होनी चाहिए, कोई कॉल कर रहा है तो कॉल रिटर्न करो उसका। टाइम नहीं मिला मुझे भेजता। ऐसा क्या महान काम कर रहे हो जो तुम्हें टाइम लग रहा है? अनिल के बारे में तो पूछिए उसे। अनिरुद्ध एयरपोर्ट क्यों नहीं पहुंचा, कहाँ है वो? हनी, हनी हॉस्पिटल में है। क्या बोल रहा है वो? भाई हॉस्पिटल का बहाना मार रहा है। फिर तो अर्शी सही कह रही थी। अर्शी क्यों झूठ बोलेगी काकी, मैं उसकी बीवी है, वो नहीं पहचानेंगी। आई कांट बिलीव दिस, अब हॉस्पिटल में एडमिट होने की कहानी सुनाएगा हनी हमें? हाँ उसे हो क्या गया है? हीरावती हॉस्पिटल में है, अगर आना है तो। शट अप, ये हॉस्पिटल के बहाने बनाने बंद करो। तुम्हारा झूठ सुनने का कोई शौक नहीं है हमें। कुछ भी बोलते रहोगे हम मान लेंगे। सफेद झूठ बोल रहे हो तुम, ये सारा तुम्हारा किया कराया है। अनिरुद्ध फ्लाइट में क्यों नहीं बैठा? हाँ तुम्हें पता है अर्शी यहाँ आई थी, सब बताया है उसने। और सुन लो, अर्शी हमेशा के लिए घर छोड़कर जा चुकी है, अब तो शांति मिल गई तुम्हें। हाँ आज ये जो हो रहा है ना, तुम सब लोगों की वजह से हो रहा है, तुमने अनिरुद्ध का दिमाग खराब किया है। और अब एक एक इल्जाम अपने सर लेता है छोटौन। ये कैसा परिवार है, ऐसे माँ बाप। कमाल है ना वैसे, छोटौन की हिम्मत देख रहे हैं आप। मतलब हमारे सगे काकू हैं लेकिन अनिक की लाइफ खराब करने में लगे हुए। क्यों नहीं करेंगे, अर्शी उन्हें भाव नहीं देती ना, लेकिन झनक उन्हें भाव देती है। और झनक सिर्फ उन्हें भाव नहीं देती है, मुझे ऐसा लगता है छोटौन ना झनक से कमीशन लेते हैं, इसीलिए तो उन्हें भी तो अपना खर्चा पानी देखना होगा। खबरदार, सुबह संभाल के बात करो बिपाशा, इतनी छोटी सी जबान पे इतनी बड़ी बड़ी बातें लाती कहां से हो? और किसके बारे में बात कर रही है, कुछ सोचा है तुमने? मुझे सोचने की जरूरत नहीं है माँ, मैंने बहुत सोच लिया, आप सोचिए। मेजदा, बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है पीछे। मेरा काम था आपको इन्फॉर्म करना, इसलिए इन्फॉर्म कर दिया मैं। देखिए हनी अभी लाइफ सपोर्ट पर है। और अब एकाएक ये खबर सुनकर तो शुभो की होश ही उड़ जाती है। ऑपरेशन करना बहुत रिस्की है, अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं तो मत आइए। काकू, अगर आपको लग रहा है मेरी बात में जरा सी भी सच्चाई है तो प्लीज आ जाइए। आप उसके माँ बाप है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है उसे। अगर अगर आप नहीं भी आएंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं हूं उसका चाचा, उसके पास आप उसके बाबा हैं, उसे जरूरत है आपकी, प्लीज भेजना। और अब तो जैसे शुभो की जुबान सिल ही गई हो, उसे कुछ ना तो सुनाई देता और ना ही बोलता। अनी की खबर ही ऐसी है। हेलो हेलो मेजदा, हेलो क्या हुआ, बोली ना क्या बोला छोटौन ने? हाँ काकू बताइए ना, छोटौन ने क्या कहा आपसे? हाँ अनिरुद्ध को हार्ट अटैक आया है। काकी माँ, व्हाट? अब क्या कहेंगे आप लोग, ये झूठ है कि ये भी प्लान का हिस्सा है? और अब अंजना से इनकी बातें और अब तक की नाटक
अब बर्दाश्त से बाहर है। उसे अनी की ऐसी खबर नहीं सुननी जाती। भगवान की कृपा है कि वो यही था, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और अभी भी उम्मीद बाकी है। सोचो अगर वो फ्लाइट में होता, वहाँ उसे कुछ हो जाता तो आप लोग क्या कर लेते वहाँ पे। और अब किसी के पास कुछ नहीं बोलने के लिए अंजना को। शुभो तो जैसे पत्थर सा बन गया हो। अब बोले ना, और क्या बोला छोटो ने, बोले ना काकू, बताइए ना छोटो ने क्या बोला एग्जैक्टली। कह रहे हैं 90% हार्ट ब्लॉकेज है, डॉक्टर भी सर्जरी करने से कतरा रहे हैं। अनिरुद्ध लाइफ सपोर्ट पे। काकू ये क्या बोल रहे हैं आप, ऐसा नहीं हो सकता। काकू ऐसा भी तो हो सकता है ना कि छोटू ने कुछ गलत सुना है या समझा है। छोटू ने सही नहीं, बिपाशा अनिरुद्ध को लेके छोटा झूठ नहीं बोल सकता, इतना विश्वास है मुझे उस पर। और आज पहली बार शुभो छोटौन पर विश्वास जताता है। पर क्या जो हुआ है अनी के साथ उसे निकाल पाएगा वो? अब जहां लाइफ सपोर्ट पर है आज अनी, तो क्या डॉक्टर्स और झनक की प्यार की ताकत बचा पाएगी अनी को? देखना ना भूलिएगा यही कंप्लीट बॉलीवुड पर कि आगे क्या होता है यहां, जहां आज अनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। देखते रहिए झनक की सारी आने वाली अपडेट्स यही कंप्लीट बॉलीवुड पर कि क्या अर्शी आएगी।